हेलो, आई एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉकबक्स। बाजारों की वॉलेटिलिटी के बीच में जब भी बाजार नॉर्मल वॉलेटिलिटी से ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाने लग जाते हैं, उस समय में किसी भी मार्केट के अंदर लेवल्स की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं इंडेक्सेस के या किसी भी स्टॉक के, उनकी अहमियत ऐसे समय में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वॉलेटिलिटी के बीच में किस तरह से हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स को ढूंढकर निकालना चाहिए, किन किन लेवल्स पर हमें ध्यान रखनी चाहिए, आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चार्ट्स के ऊपर हम लेवल्स को कैसे ढूंढ सकते हैं और ऑप्शंस के डेटा में हम लेवल्स को उन लेवल्स को कैसे पकड़ सकते हैं, उन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हमें देखिए, पहली बात तो जब बाजार वॉलेटाइल होते हैं तो लेवल्स थोड़े दूर निकल कर आते हैं, यानी कि जो रेंज बाजार की निकल कर आती है, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस के बीच में गैप निकल कर आता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है जनरली। अब यदि हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स ढूंढने हैं तो हमारे पास एटलीस्ट हर समय बाजार से एक लेवल ऊपर और एक लेवल नीचे, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हर समय हमारे पास जरूर होने चाहिए। ऊपर में अगर मैं बात करूं तो हमें ऐसे लेवल ढूंढने हैं जहां पर पहले बाजार ने कभी ना कभी अब नॉर्मल तरीके से रिएक्ट किया है, जैसे कि यहाँ पर ये लेवल जो निकल कर आता है। यहाँ पर देखिए, कुछ समय पहले, कुछ 2-3 महीने पहले इस लेवल के आसपास बाजार सपोर्ट फेस कर रहा था। उसके बाद जब इसे थोड़ा एक डाउनफॉल हमने देखा, एक फॉल हमने आता हुआ देखा, टर्न अराउंड के अंदर यहाँ पर बाजार ने रेजिस्टेंस फेस की। इसका मतलब कि एक अहम लेवल बनकर आ रहा है। हर बार जब भी बाजार इसके आसपास आता है थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करने की कोशिश करता है, इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है बाजार के लिए ऊपर की दिशा में। तो ये हमें लेवल यहाँ पर मिल जाता है, मिल गया है। अब नीचे का लेवल हम ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमें कोई सडनली अगर एकदम पास में लेवल नहीं दिखता है तो हम थोड़ा सा दूर इस वॉलेटिलिटी के अंदर जाकर जो पहले कभी क्रूशियल लेवल्स थे उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने इस लेवल को बनाया है। यहाँ पर देखिए, करीब 3-4 महीने पहले इसी लेवल के आसपास बाजार रेजिस्टेंस फेस किया करता था, एंड काफी समय बाद अब उस लेवल के पास बाजार ने सपोर्ट लेकर टर्न अराउंड लेने की कोशिश की। इसका मतलब है कि ये बाजार के लिए एक अहम लेवल जरूर दिखाई देता है, तो यहाँ पर इसे हम एक सपोर्ट की तरह भी ले सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ से चार्ट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोनों ही निकल कर आ जाते हैं। अब इसी तरह से अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमें ऑप्शंस में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स को निकालने के लिए OI डेटा की हेल्प लेनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस की तरफ, पुट ऑप्शंस को हम हमेशा सपोर्ट की तरह देखते हैं ऑप्शन चेन के अंदर, और कॉल ऑप्शंस को हम हमेशा रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं। तो जहां पर हमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट का चेंज दोनों ही पुट्स और कॉल्स की डायरेक्शन में दिखाई दे, तो यानी कि उसी दिशा में हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस देखने को मिल जाएंगे। पुट्स की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, ओपन इंटरेस्ट हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है 19,000 के लेवल के आसपास, इनफैक्ट उसी के ऊपर। एंड ओपन इंटरेस्ट का चेंज, आज के स्पेसिफिक दिन की मैं बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट का चेंज हमने 19,100 पर आते हुए देखा, बट सबसे ज्यादा OI हमें 19,000 पर दिखाई दे रहा है। तो जब हमें क्लियरली एक लेवल ऊपर की तरफ दिखाई देता है तो इसका नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, तो हम 19,000 को एक बहुत अहम सपोर्ट की तरह मानकर यहाँ पर चल सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कॉल ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट काफी क्लियरली 19,200 पर दिखाई देता है, जिसे हमने अभी चार्ट्स पर भी देखा कि 19,200, 19,225 एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है। ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा वही है, यानी कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वही दिखाई देती है। तो इस तरह से ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को ऑप्शन चेन से उठा सकते हैं, और जब हम इन दोनों को मैच कर लेते हैं, चार्ट्स के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को और ऑप्शंस डेटा के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को, तो और अच्छी तरह से हमें मजबूत लेवल्स दिखाई देने लग जाते हैं। आप भी इसी तरह से अपने फेवरेट इंडेक्स, फेवरेट स्टॉक के अंदर लेवल्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।